नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मात्र एक मिनट में अपने डॉग का एग्रेशन कैसे रोक सकते हो। दोस्तों ये ट्रिक 100% काम करेगा, 99.9% भी नहीं 100% काम करेगा। दोस्तों अभी बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज भी आएगा तो उसके लिए मैं सॉरी पहले ही बोल देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कोई भी डॉग हो वो कभी ना कभी इरिटेट होगा ही होगा, और इरिटेशन में यदि आप उसको छेड़ते हो तो वो आपको काटेगा ही। दोस्तों ये बकरी नहीं है, डॉग है, इसलिए आपको काटेगा ही। और बकरी भी अपना जान बचाने के लिए वो सींग मारती ही मारती है, तो अपना प्रोटेक्शन हर जानवर करना चाहता है। तो डॉग के साथ भी वही है, ये जब भी इरिटेट होगा तो आपको बाइट करेगा। लेकिन दोस्तों कोई भी डॉग हो वो काटने से पहले इंडिकेट कर देता है कि यदि आप उसको छेड़ते हो तो आपको बाइट कर लेगा। तो यहाँ पे आपकी समझदारी काम आएगी कि आप कितना जल्दी समझ लेते हो कि आपका डॉग इरिटेट है और आपको वार्निंग दे रहा है। और मेरा डॉग कभी इरिटेट होता या फिर मैं इसके साथ कोई जबरदस्ती करता हूं, तो ये घुर्राने लगता है, तो मैं समझ जाता हूं कि यदि इसके पास गया तो ये बाइट कर लेगा। तो दोस्तों ये इरिटेट कब होता है, जब भी इसके घाव पे मैं स्प्रे मारने के लिए जाता हूँ तो वो स्प्रे इसके घाव पे थोड़ा सा लगता है तो ये हटना चाहता है, और वहीं पे यदि मैं इसके साथ जबरदस्ती करूंगा तो ये मुझे बाइट कर लेगा। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही प्यार से बुलाता हूँ, उसके बाद स्प्रे करता हूँ और इसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी ये कभी कभी इरिटेट हो जाता है, तो उस समय जो ट्रिक मैं अप्लाई करता हूँ वही ट्रिक आपको भी अपने डॉग के साथ अप्लाई करना है। दोस्तों जब भी ये घुर्राने लगता है तो इसके पास मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे साथ हाथ मिलाओ, और जब ये हाथ मिला लेता है तो मैं इसको गुड बॉय बोलता हूँ, और इसके बाद कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी स्प्रे हो, मैं इसको नहीं देता हूँ। दोस्तों मेरा ये हमेशा से ट्रिक रहा है कि जब भी मैं इसके साथ हाथ मिलाता हूँ इसके बाद मैं इसको कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं, बस इसके मन का जो पसंद है वही काम करता हूँ और उसके बाद कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये भी समझ जाता है कि हाथ मिलाने के बाद मैं फ्री हो चुका हूँ, और ये मेरे साथ बहुत ही जल्दी अटैच हो जाता है, और ये प्रोसेस मात्र एक मिनट का होता है। आपको भी अपने डॉग के साथ कोई ना कोई एक ऐसा प्रोसेस या फिर कोई ऐसा ट्रेनिंग दे देना है कि जिसके बाद आप अपने डॉग के साथ कुछ भी ना करो, कुछ भी नहीं, या फिर ऐसा ही कोई एक चीज़ अपने डॉग के साथ कीजिए तो आपका भी डॉग समझ जाएगा कि ऐसा प्रोसेस होने के बाद मुझे कुछ नहीं किया जाएगा, और आपका डॉग बहुत रिलैक्स फील करेगा। और उसके एक दो घंटे के बाद ही आप मेडिसिन दीजिए या फिर स्प्रे दीजिए या फिर कुछ ऐसा काम जो इसके लिए जरूरी है। और दोस्तों दूसरा चीज वो भी आपको करना है, जो मेरा भाई है उसको मैं पर्सनल आदमी बनाया हुआ हूँ इसके लिए, और वो इसके साथ कुछ भी नहीं करता है, ना इसको मेडिसिन देता है या फिर ना ही कोई इसको स्प्रे करता है, कुछ भी नहीं करता है। मात्र जब अगर खाना देना हो वो खाना ही देगा, या फिर इसका प्लेइंग करवाना हो तो सिर्फ प्लेइंग करवाएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कि सिर्फ इसके मन पसंद का कोई काम ही करता है। तो आपको भी अपने घर में कोई ऐसा आदमी रखना है जो आपके डॉग के साथ सिर्फ उसके मन का काम करे, तो जब भी आपका डॉग इरिटेट होगा या फिर गुस्सा होगा तो वो उसके पास चला जाएगा, और आप समझ जाओगे कि ये अभी इरिटेट है तो आप उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। तो दोस्तों ये मात्र प्रोसेस से मात्र एक मिनट में आप अपने डॉग को बहुत ही शांत कर सकते हो। दोस्तों यहीं पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यदि उनको स्प्रे छींटना है तो वो जबरदस्ती करने लग जाते हैं। नहीं दोस्तों उस समय आप मत कीजिए, एक दो घंटे के बाद आप उसको कीजिए, बहुत ही प्यार से कीजिए, तो ये आपके डॉग के लिए बेटर रहेगा और आपको काटेगा भाई नहीं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि ये वीडियो छत पे ही बना लूँ, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको डॉग पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही बहुत सारा वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स डॉग एंड ऑनर ऐप में पहले से अवेलेबल है, आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।